अगर दोस्तों आप लोग भी वन प्लस के काफी बड़े फैन हो तो आप लोग को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आप लोग को 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बताते हैं कुछ शानदार स्मार्टफोन के बारे में जो कि आप लोग को वन प्लस के देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर का स्मार्टफोन आता है वन प्लस नोट सीई स्मार्टफोन। यह दोस्तों एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर आप लोग को 6.43 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120Hz डिस्प्ले रेट के साथ। बाकी इसके अंदर आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाएगा और स्टोरेज की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि एक 5G प्रोसेसर है और इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर 4500 MHz की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन की प्राइस है दोस्तों अमेजोन के ऊपर 18,999 रुपये जो कि आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, वहां से ऑर्डर करके आप लोग मंगवा सकते हैं। बाकी इसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर का स्मार्टफोन आता है वन प्लस नोट 2T स्मार्टफोन। यह दोस्तों एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर आप लोगों को काफी अच्छी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 6.3 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर 50 मेगापिक्सल के ड्यूल कैमरा भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इसको काफी ज्यादा यूनिक बना देते हैं। इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर 8GB रैम से लेकर 12GB रैम देखने को मिल जाएगी और इसके साथ आप लोगों को इसके अंदर दुनिया का सबसे फास्ट प्रोसेसर डायमंडसिटी 1300 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इसके अंदर आप लोगों को जो गेमिंग का एक्सपीरियंस होगा वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को काफी लंबे समय तक चलने वाली 4500 MHz की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि आप लोगों को काफी अच्छी खासा एक्सपीरियंस देके जाएगी। बाकी लास्ट में इसकी प्राइस की बात करें तो यह स्मार्टफोन दोस्तों आप लोगों को 28,999 रुपए के अंदर अमेजोन पर मिल जाएगा, वहां से ऑर्डर करके आप लोग इसको मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर का स्मार्टफोन आता है वन प्लस 9R स्मार्टफोन। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वह 48 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा जिसके साथ आप लोगों को इसके अंदर माइक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसकी डिजाइनिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है और इसी के साथ आप लोग को इसके अंदर 6.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 120Hz डिस्प्ले रेट के साथ। इसके अंदर आप लोग को 8GB रैम और 12GB रैम देखने को मिल जाएगी जो कि आप लोग को अलग अलग रेंज के अंदर देखने को मिल रही है। बाकी इसी के साथ आप लोग को इसके अंदर 4500 MHz की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि इसको काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए काफी होती है। इसी के साथ लास्ट में बात करें वन प्लस की स्मार्टफोन की प्राइस की तो आप लोगों को 32,999 रुपए के अंदर मिल जाएगा अमेजोन पर, वहां से ऑर्डर करके आप लोग इसको मंगवा सकते हैं अगर आप लोगों की रेंज भी 30,000 रुपए के आसपास आती है तो। अच्छा बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का स्मार्टफोन आता है वन प्लस 10T स्मार्टफोन। यह दोस्तों अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है वन प्लस का जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा वह 6.7 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 120Hz डिस्प्ले रेट के साथ। बाकी इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर बैक के अंदर जो कैमरे देखने वाले हैं वह 3 कैमरे देखने को मिल रहे हैं जिसमें से 50 मेगापिक्सल का तो इसका जो मेन कैमरा होता है वो देखने को मिलेगा। बाकी इसके अंदर आप लोगों को 8GB से लेकर 16GB तक रैम देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, मतलब कि इसके अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 8+GN2+ प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि इसको काफी ज्यादा अच्छा बना देता है। इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर 48 मेगापिक्सल की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में बात करें दोस्तों वन प्लस 10T स्मार्टफोन की प्राइस की तो यह स्मार्टफोन आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 41,999 रुपए के अंदर मिलेगा जो कि अब तक का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है वन प्लस कंपनी द्वारा। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर का स्मार्टफोन आता है वन प्लस 11T। यह स्मार्टफोन दोस्तों अभी फिलहाल के टाइम पे लॉन्च हुआ है लेकिन इसका जो लुक है दोस्तों काफी ज्यादा यूनिक होने के साथ साथ काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर आप लोगों को DSLR क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल जाएगा, 6.7 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आप लोगों को जो स्मूथनेस देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। इसी के साथ दोस्तों यहां आप लोगों को 8GB से लेकर 16GB रैम तक देखने को मिलेगा और इसके अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 8GN2 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर 5000 MAh की वेरी लार्ज बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि इस स्मार्टफोन को काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए काफी होती है। बाकी लास्ट में बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्राइस की तो आप लोग को 56,999 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा अमेजोन पर, वहां से आप लोग इसको खरीद सकते हैं अगर आप लोग भी यह स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो। दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन जो कि वन प्लस कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो इन स्मार्टफोन के अंदर आप लोग को 18,000 से लेकर 56,000 रुपए तक के फोन देखने को मिल गए हैं। बाकी आप लोग कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं अगर आप लोग वन प्लस कंपनी के फैन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली कौन सी वीडियो हम आपके लिए बनाएं वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।